करने का कारण ही नहीं पता चला तो मारने वाला कैसे साबित करेगा बीच में मारा जब ये लोग तो कह रहे गला दबा के मारा जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई जारिया ना चोट नहीं उसके ना उसको ये बोन है इंटैक्ट पड़ी है तो मरने का कोई कारण ही नहीं आया डॉक्टर ने कहा तो विष ही तो एक आखिरी बचा है कि जहर को नहीं दे दिया जहर का तो इष्टोपत्र की रिपोर्ट आएगी तो भी बता पाएंगे नहीं तो किस आरोप में पकड़ेंगे किसी को क्या दे के मारा होगा इसको गला दबा के मारा तो अपने को वेट करना पड़ेगा आप लोग पूरा बहुत सेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब की मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो भी पूरा ध्यान दे रहे हैं और निरंतर बातचीत हो रही है तब ये बलात्कार वाले में नया जो हुआ है हमने इनको बोला था भाई आपको जो भी धमकी वगैरह दे रहा है आप रिटर्न में एक बार हमें उसका नाम दे दीजिए हम उनको बाउंड डाउन कराते हैं तब तक आप कोई नया अधिकारी आया है वो मौका भी देखेगा बयान भी पढ़ेगा फाइल भी लेगा उसमें टाइम लगता है ये हमने समझाया था हमने कहा एक बार आप बैठ के बात करिए आपकी जो बातें हैं डिमांड्स हैं वो आप लगातार दे रहे हो और हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं तो अलग बात है अब एफएसएल है वो हमारे इस तरह इसको भी नहीं करेंगे एसपी साहब से हमने पहले लिखवाया गला दबा के इसको मार दिया लेकिन कहीं पे मारने के अलग फोन टूटती है सांस घुटता है सब चीज लाश बोल रही है तो ऐसा कोई कारण इसमें है नहीं जो मौत का कारण अपन बता रहे कोर्ट में जाएगी गवाह कुछ नहीं है आज उसका मौत का आधार डॉक्टर ही है डॉक्टर होगा डॉक्टर तो लिख लेगा कहीं से मर्डर हुआ ही नहीं है कोई चोट नहीं पुलिस जो जांच करती है एजेंसी भी जांच करती है उनको अपना अधिकार है संविधान का कानून के तहत उसका आपको ध्यान से करना पड़ेगा बात ये है अभी एज ऑफ नाउ वेट करिए आप इसका बैठे धन्यवाद।